Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I will show you how to create or sign in Google account. इस डिवाइस में Google ID या Play Store ID कैसे बनाएं? दोस्तों ये दोनों एक ही चीज़ है। Google account जोड़ने के बाद Play Store से ऐप डाउनलोड कर पाएंगे। Google का दूसरा सर्विस जैसे कि Gmail, Google Drive, Google Photo का लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में हम दो जगहों से Google account ऐड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन ऑन कीजिए, इसके बाद प्ले स्टोर ओपन करें। यहाँ पर आपको एक साइनिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई पुराना गूगल आईडी है तो यहाँ से साइन इन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फोन सेटिंग्स में जाके गूगल आईडी ऐड कर सकते हैं। सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए, नेक्स्ट एडिशनल सेटिंग्स, इसके बाद अकाउंट एंड सिंक। यहाँ ऐड अकाउंट पर क्लिक करके गूगल सिलेक्ट कीजिए। कभी कभी इस प्रोसेस के दौरान स्क्रीन लॉक मांगेगा, तब अपना लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डाल देना। देखिए दोस्तों, प्ले स्टोर जैसा सेम इंटरफेस आ गया है। अगर आपके पास कोई पुराना गूगल अकाउंट है तो उसका आईडी डाल दीजिए, इसके बाद पासवर्ड इंटर करके साइन इन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप एक नया यूज़र हो और इस डिवाइस के साथ एक नया अकाउंट जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से बैक आइए, इसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर फॉर माई पर्सनल यूज चूज कीजिए। अब आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना होगा। यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम डालिए, इसके बाद सर नेम डालना है, नेक्स्ट अपना जन्मतिथि एंटर करें, डेट, महीना और साल, इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करें। नेक्स्ट गूगल आपको कुछ आईडी सजेस्ट करेगा, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस पर क्लिक करके अपना पसंदीदा जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल हमने ऊपर में फर्स्ट आईडी को सिलेक्ट किया, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब जीमेल आईडी के लिए स्ट्रांगली पासवर्ड सेट करना होगा, इसमें लेटर, नंबर एंड सिंबल कंबाइंड होना चाहिए। कुछ इस तरीके से आप पासवर्ड सेट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट करें। ऐड फोन नंबर, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करें और यस आई एम इन पर क्लिक करें। रिव्यू योर अकाउंट इन्फो नेक्स्ट कीजिए। प्राइवेसी एंड टर्म्स, गूगल अकाउंट का टर्म्स एंड प्राइवेसी नीचे की स्क्रॉल करके एग्री करना है। नेक्स्ट गूगल सर्विस का बैकअप ऑप्शन चालू रखिए, फिर नीचे जाके एक्सेप्ट करना है। दोस्तों गूगल अकाउंट ऐड हो चुका है, आप प्ले स्टोर में जाके कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल के दूसरे सर्विस जैसे कि जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल फोटो वगैरह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आपने जो गूगल अकाउंट बनाया है उसका एड्रेस और पासवर्ड याद रखिए, या किसी जगह पर लिख कर रख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम गूगल अकाउंट साइन इन करते समय ये काम आएगा। दोस्तों अगर आपके डिवाइस में एक से ज़्यादा गूगल अकाउंट ऐड किया हुआ है तो उसे रिमूव कैसे करें? तो फिर से आप फोन सेटिंग्स ओपन करके अकाउंट एंड सिंक में चले जाइए, इसके बाद गूगल पे क्लिक करना है। फिर इस डिवाइस में जितने सारे गूगल अकाउंट ऐड किया हुआ है उसका लिस्ट दिखाई देगा, जिस अकाउंट को रिमूव करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, उसके बाद मोर पे क्लिक करके इस अकाउंट को रिमूव कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से अब अपने डिवाइस में गूगल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।